नमस्कार, वक्त हो गया है 5W1H का, यानी खबर पूरी डिटेल के साथ। मैं हूँ आपके साथ पयुधी शशि। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। जी न्यूज आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहा है। घाटी में हर तरफ अमन और खुशहाली की तस्वीरें नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने आज कश्मीर घाटी के कई इलाकों का हवाई दौरा भी किया। NSA अजीत डोवल ने कश्मीर के हालात का जायजा लिया। डोवल ने श्रीनगर, सौरा, पंपोर, बड़गाम और पुलवामा का जायजा लिया। आज जी न्यूज ने भी आसमान से श्रीनगर में शांति की तस्वीर दिखाई। अजीत डोवल ने कहा, शांति से ईद मना रहे हैं कश्मीरी। ईद के मौके पर कश्मीर में हालात का जायजा लिया गया। अजीत डोवल ने हेलीकॉप्टर से इलाके में दौरा किया। घाटी में आतंक और दहशत की सभी साजिशें फेल हो गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने आज कश्मीर के हालात का जायजा लिया। अजीत डोवल ने हेलीकॉप्टर से श्रीनगर और आसपास के कई इलाकों में हवाई सर्वे करके वहां के हालात का जायजा लिया। NSA ने कश्मीर के हालात को सामान्य बताया है। आज जी न्यूज की टीम ने भी हवाई सफर करके श्रीनगर में शांति की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब खतरे में, अगर आप सामने देखें तो यहाँ मस्जिद आपको दिखाई देगी, और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जगह जगह आप जाएंगे तो मस्जिदें हैं, लोग आते हैं और यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। ये अगर आप देखें तो जो पायलट्स हैं लगातार यहाँ पर इस तरीके से की जा रही है, अलग अलग लोकेशन पे चॉपर के जरिए हवाई, जिसको सर्वे बोलते हैं, सर्वेक्षण बोलते हैं, वो किया जा रहा है। माहौल बिल्कुल यहाँ सही है, आप किसी छूट के या छांसे में ना आए। और ये विजुअल हमारे राजनेताओं को भी देखना चाहिए, उन पॉलिटिशियंस को देखना चाहिए जो ऐसी बातें दिल्ली में कर जाते हैं जिसका जो असर है वो काफी खराब हो सकता है। वहीं 370 हटाए जाने के बाद आज कश्मीर में पहली ईद मनाई जा रही है। ईद के मौके पर घाटी में शांति और अमन का माहौल रहा। श्रीनगर समेत अन्य शहरों में लोगों ने मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी। बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। कश्मीर घाटी में शांति और अमन की ईद मनाई जा रही है। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अमन चैन की दुआ की गई। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली ईद। वसीम रिजवी ने बकरीद पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न देने की अपील की। कश्मीर समेत पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। श्रीनगर, जम्मू, सोपोर, किश्तवाड़ समेत हर जगह शांति और सौहार्द बना रहा। लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। घाटी में अमन और चैन के साथ बाजारों में रौनक दिखाई दी। हम इस वक्त श्रीनगर में हैं और ये ईद की सुबह है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे ठीक सामने यहाँ की ये फेमस मस्जिद है और इसके अंदर लोग इस वक्त हैं और नमाज कर रहे हैं, जो कि त्यौहार है, ईद है, उसके बाद 15 अगस्त है। तो किस तरीके से कश्मीर में माहौल होगा, लेकिन लगातार कश्मीर पीसफुल बना हुआ है। हमें किसी भी जगह से किसी भी वायलेंस की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और आज ईद का मौका है। ईद के मौके पर आप सड़कों पर देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग अपने बच्चों के साथ बाहर निकल रहे हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और इस त्यौहार को मनाने की पूरी तैयारी श्रीनगर के लोग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और पूरी तरह से आपको शांति भरा माहौल जम्मू कश्मीर श्रीनगर में नजर आ रहा है। सब जगह ईद की नमाज जो है, ईद के प्रेयर्स हैं, पीसफुली ऑफर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू में 5,000 से ज्यादा लोगों ने ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी। तमाम जगह जो है पीसफुल जो है ईद की नमाज ऑफर की गई।